अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ईद मिलादुन्नबी का मुकद्दस मुबारक मौका है। आप सभी हजरात को दिल की गहराइयों से ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबादियाँ। निसार तेरी चहल पहल पे हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पे हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। करीम नवाज़ रदी अल्लाह तआला की बारगाह वो बारगाह है जहाँ न सूरत देखी जाती है न सीरत देखी जाती है, यहाँ तो मांगने वाले की फ़कत नीयत देखी जाती है। वो मकामात मुकद्दसा जहाँ दुआएँ कबूल होती हैं, उनमें से एक सरकार करी नवाज़ रदी अल्लाह तआला की बारगाह भी है। आज जो करी नवाज़ रदी अल्लाह तआला की बारगाह में मैं हाज़िर हुआ हूँ, एक अर्ज़ी को लेकर हाज़िर हुआ हूँ। वो अर्ज़ी ये है कि हमारे शहर ग्वालियर में एक एम्बुलेंस की शदीद ज़रूरत महसूस की जा रही है। हम गरीब नवाज़ की बारगाह में यह अर्ज़ी लेकर हाज़िर हुए हैं कि ग्वालियर में भी एक गरीब नवाज़ एम्बुलेंस शुरू हो जाए जिससे ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी की जा सकें। और इसी के साथ हमारे शहर ग्वालियर में कब्रस्तान दूर दूर हैं और जनाजे लोडिंग में लोड करके उन्हें कब्रस्तान तक ले जाया जाता है। हम ये अर्ज़ी भी लेकर आए हैं कि वो एम्बुलेंस इस तरीके की हो कि जिसमें जनाजों को भी जो है कायदे के साथ इज़्ज़त के साथ कब्रस्तान तक ले जाया जा सके। ये अर्ज़ी हमने गरीब नवाज़ की बारगाह में लगाई है। और एम्बुलेंस के जहाँ तक ताल्लुक़ है, तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है एम्बुलेंस के लिए। गरीब नवाज़ की बारगाह में दुआ की है, इंशाअल्लाह ताला गरीब नवाज़ के वसीले से ये जो हमारा इरादा है जल्द अज़ जल्द पाई तकमील तक पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम।